आज तीसरे महीने में तुम्हारी कोर्ट में तीसरी पेशी है और हो सकता है आज कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए। ये क्या बात हुई दरोगा साहब, मंडल चोरी करने पे फांसी की सजा? मंडल चोरी करने पे नहीं, तुमने कुछ चोरी चुराया था। नहीं नहीं दरोगा साहब, नाजिम तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी बॉडी ऋतिक रोशन की बढ़िया। ऐसे साले को चुप करा ले तू, इसने मेरे कानों में दर्द कर रखा है 3 महीने से। अब तुझे समझ में ना आता तो क्यों तुक्के बुला रहा है तू? मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। इन सालों ने सर में दर्द कर दिया मेरे, गाड़ी रोकी है, सिगरेट पीनी है। जी ऐसो साहब। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है भागने का, प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। आओ आओ। हाँ लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलाएगा कौन? बिल्कुल सही कह रही है, NH 24 से चलो। बस ही में एक काम कर, गाड़ी तू चला। की डू यू लव मी? ओ ये ये आई बस साले, जल्दी करो दरोगा आ जाएगा। जैन तू चला ले। हाँ सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की लेंगे रास्ते में। सुतरी के पावल बोकर को ही चलानी पड़ेगी। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए। डाल गियर। ये कैसा गियर है वसीम, विदेशी कंपनी की गाड़ी है क्या? बड़ा मुलायम गियर दे रही है कंपनी। नाजिम कार का गियर डाल यार, मेरा गियर मत डाले। मैं गियर डालूं? मैं नहीं खोलूं इसकी फाइल भाई। अरे 3 लाखों ने खून पी रखा है मेरा तो। ओके दरोगा साहब, ओके ओके। मुंबई सपनों का शहर। गर्मी क्या सो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज? तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे निशाने के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, और मैंने ये भी सुना है शूटर मूवी में तुम्हारा खलेरा भैया था, और मैंने ये भी सुना है तुम आँख मीच कर निशाना लगा देते हो और वो भी बिल्कुल ठीक। नए बोल वो कर जिंदा गाल पे मारा है, गाल पे खागा। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरोगा साहब मुंह उतार दिया जान को। ये तो बताना रिया। अरे ये सुन नहीं सकता ना दरोगा साहब। अबे भौसड़ी के बोल तो सकता है वसीम। भोसड़ी के गाली बके जा रही है। अबे नाजिम 3 बार अम्मी को गाली बक दिया इसने, ये सोच रही आवाज ना आती है मुझे। टना टना आवाज, अबे नाजिम आवाज ना आती है मुझे। हाँ तो आती ना है ना बहन, वही वाले बढ़िया सत्री के। आज के बाद मत बक दिए गाली, साले तेरी गांड फाड़ के स्वेटर बुन दूंगा जाड़ो का। दरोगा साहब मूत लग रही है। दरोगा साहब देखो मैं कह रहा हूँ, लोंडे को मूत लग रही है, लोंडे की किडनी फेल है, कैंसर, HIV, पीरियड से एक गांड है लोंडे की। गाड़ी रुकवा दरोगा साहब, मैं मूत भाग के आता हूँ। तू क्यों जाएगा? अरे दरोगा साहब रास्ता ना पता नहीं, इसे इन्हें देखा ना ना, मैं दिखा दूंगा इसे झाड़ियों का रास्ता किधर है। ये बात तो ठीक है, रोक लिए गाड़ी, घनी झाड़ियों में मूत पाऊंगा। ना ना एक्वा फीना बढ़िया लगे तरीके। यहाँगी झाड़ी है, इधर रोड है, इधर ना, ये घनी झाड़ी है, यहाँ मूत। अरे ये बहुत ही बढ़िया है।
ना ना दरोगा साहब, उधर कोई छिनाला ना होता जंगल में। ये दरोगा साहब कहाँ से आ गए? चलो उधर। ए साले बता दे, 2.5 घंटे हो गए, कहाँ है ये? ए आ आ। अबे बता दे कहाँ गए हैं ये? ये वो ये वो। साले गूगल मैप पे बना रही है जगह, तो तुम्हें बता रही है ना? ठीक है, अब कोर्ट में गवाही तू ही देगा उस मर्डर चोरी कराने वाले के बारे में। तू ही इसका स्केच बनवाएगा और तू ही बताएगा। लेकिन तू बताएगा कैसे? तो बताने कहाँ गए वो लोग? ये कहाँ को लेके जा रही है? मूत पलिया और ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। इस तरीके प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरी मूवी में एक कमी है, साला कहीं आवाज नहीं है कहीं पे भी। बात छोड़, मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया रजनीकांत। मैं भोसड़ी का हल्ला मारा, मूवी को कॉपी करा जा रही है। ये क्या है? पानी की टंकी दिख है, टोटी टोटी। ये देखे है टोटी। मैं कौन है बे? चूतिया चूतिया, अब हम चूतिया हो गए बसीन। भौसड़ी के आरो का पानी का पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। ए बसीम, तो बार बार गाली ना बकता है, ये कुछ और ही कहना चाह रिया। अबे नाजिम कर ले। जैन की आवाज। बलाल। अरे इधर जैन, इधर आ जा, इधर। अबे नाजिम कर ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बता ही नहीं जा रिया, आप बता दो। ए भाई साहब, ये तो तुमने काले पेपर पर काले पेन से लिख काला दिया। ये वसीम बता देगा। वसीम भाई साहब, इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप बता दो एड्रेस, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेड लाइट गंडेली रोड के पीछे। अच्छा, रेड लाइट गंडेली रोड। कुछ नहीं भाई साहब, ये भरी मार्केट में से निकल रहे लोग टहल रहे हैं ना यहाँ पे, भीड़ जो है मार्केट। भाई साहब तुम रहनी दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। अबे नाजिम दलाल 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 दलाल। आवाज गुंजा रही है सुतरी के, पास में ही हूँ मैं। नाजिम दल्ले दल्ले दल्ले, इधर ही हूँ। बसीम पकड़िए इसे, कहाँ है? नाजिम दलाल दलाल। नाजिम सही कह रही है बसीम। मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज, मेरे सिर में गोली मारी। अरे दादी, आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी, कैसी दादी, क्या समझा दिया वसीम ये? नैना जो मिल के ख्वाब देखते थे नैना। कॉपीराइट आ जाएगा, जाने मत जा। शहर में पल के मीचते क्यों? अरे हुए जुदा। अरे एड्रेस पूछ लिया ये साले। जुदा। और चलाओ व्हाट्सएप। अरे सुतरी के वसीम सही से समझाए। शहर में बंद हो गए क्यों? तूने पहले मेरी दादी के 6 गोली मारी, उसके बाद तूने उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया, उसके बाद तूने उन्हें गुड डे बिस्किट खिलाया, फिर तू मूवी दिखाने लगी हॉलीवुड की, फिर घर पे लाके तूने घड़ी के साबुन से उनकी लाश को धोया। अब मैं तुझे धोऊंगा। दिखाई देंगे।
है। काम हुआ या नहीं हुआ? शाम तक काम हो जाना चाहिए। ब्रेक सीख देना एक। हाँ चल भाई बता दे अब कहाँ है वो चीज। अंधे बैरे गूंगे पे आया नहीं वो चीज। चीज तो मेरे पास भी नहीं है वो। सब हुआ ये कि और फ्लैश बैक हुआ ये था कि मैं वो चीज चुरा कर भाग रहा था और आप मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक मंडल लिया और वो चीज मैंने उस मंडल में छुपा दी और मैं वहाँ से भाग गया। भागते भागते मैंने आपको चकमा दिया और मैं एक घर में घुस गया। मैं आपको वहाँ पर नहीं मिला और आप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस मैं उस दुकान पर गया, मैंने देखा वहाँ पर वो मंडल था ही नहीं। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने कहा वो मंडल तो एक बुड्ढा ले गया। मैं उस बुड्ढे के यहाँ गया तो मैंने देखा आप उस बुड्ढे से पूछताछ कर रहे थे। मैंने आपको देखकर वहाँ से भाग गया, इसीलिए मैंने उन तीनों से वो मंडल चुरवाया था। तो मंडल तो फिर तुझे ही मिला ना? वो मंडल को मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन वो चीज तो ना मिली मुझे जो मैंने मंडल में रखी थी। हट हट। कार के पीछे रिश्वत बट रही है। कहाँ बट रही है? पिछले महीने की भी ना मिली। कैसे मुंह में लेगा तू मेरा? कैसा अंधा है रे तू? अबे हाँ कैसा अंधा तू? अबे साला एक के पार परफेक्ट मारा इनने, एक मिस ना हुआ। बसीम चिंता मत करो, मेरा निशाना बिल्कुल माथे पे है, बिल्कुल माथे पे है। काबिली से मिल रही थी क्या पार्ट टू? ऋतिक रोशन से बढ़िया खेल लिया बहन का लोड़ा। कौन है ये जिसने मेरी जान बचाई? 20 लाख रुपए मैंने बचाई है। छाती पर लगी है पुल को। साले ने गांड पे गोली मारी है। हाँ गांड पर लगी है गोली। तिन्ना भर के रैप्टा मारूंगा, जिंदा उसके गोली लगी है। अंधा तू है, हम नहीं। मंत्री जी इसलैंडी स्नाइपर ने गोली मारी है। हाँ मंत्री जी मैंने गोली मारी है। अब बेटे किसने मरवाई है गोली? ना बताऊंगा। ऐसे मिलेंगे? उसने मरवाई है। ढीले पुलिस वाले का पिछली बारी तो आ गया था। बेटे तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी जान बचाई। न्यूज चैनल पे लाइव इंटरव्यू होगा तुम्हारा। मंत्री जी 20 लाख रुपए का क्या? और डलवाओ 35 हवा अगले वाले टायर के। मंत्री जी यही है वो जिसने गोली चलवाई है। गिरफ्तार कर लो इसे और इन बच्चों का इंटरव्यू करवाओ। अब आयो चारों हाथों में तुम, अब बताओगे कहाँ है वो चीज। ए इंटरव्यू मैं तो इंटरव्यू के बाद देखूंगा। चल रहा हूँ मैं। तू बताओ। स्वागत है News 25 चैनल में। आज हम आपको ऐसे तीन महान दिग्गजों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की शान नहीं बल्कि मंत्री जी की गांड तोड़ी, मंत्री जी की जान भी बचाई है। मिलिए नाजिम, जैन, वसीम। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं जैन से। तो जैन आप बताइए कि मंत्री जी को आपने कैसे बचाया? लंड बचाया इसने। बिल्कुल सही बताया आपने। तो अगला सवाल हम पूछते हैं वसीम से। वसीम बताइए आपने मौका वारदात पे क्या देगा? अपने लफ्जों से बयां कीजिए। वसीम भाई कुछ बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं आप, बोलिए ना। अबे ये कौन सी लैंग्वेज है? अब सबटाइटल लगवा दीजिए, समझ में आ जाएगा। अरे चल लगा दे सबटाइटल ही लगा दे। चलो आप सबटाइटल लगवा दिया, आप बोलो। अरे सर अभी भी समझ में नहीं आ रही। अबे क्या समझ में आ रहा? कुछ भाषा तो निकले, कुछ शब्द तो निकले, कुछ हो तो सही। क्या ट्रांसलेट करें बता। अरे सर इसकी लैंग्वेज सिर्फ जैन समझता है। अबे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरी छोटी सोच पे देने आएगा ज्ञान हूँ। वीडियो में रॉकेट, छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा चिमान वाला कान हूँ। जैन अब तुम ही बताओगे कि गोली किधर से आई थी, कितनी स्पीड थी और क्या आवाज थी? ना ना सर, स्विफ्ट डिजायर बढ़िया डीजल में। अबे क्या हो तू, किसका इंटरव्यू करवा रही?
नाजिम तुम मुझे बड़े समझदार दिख रहे हो, तुम मुझे बताओ वहाँ का माहौल कैसा था, तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि हम तीनों गोवा के बीच पर खड़े थे और मंत्री जी गुच्ची के जूते और डेनिम की पैंट पहने हुए और स्नाइपर पीले कपड़ों में जिंदा सर कैन के मत्थे पे गोली पड़ी है। बिल्कुल सही नाजिम, एक एक चीज तूने परफेक्ट बताई, एक एक चीज। विकास की शादी में बाके में ही तेरा रंग का खाना चला था, पर ये बात तू बहुत गलत बोल लिया कि रसगुल्ला ठंडा था। अबे तू लेट आया था। ए सुतरी के कौन विकास? अबे क्या करेगा इसे लेके? कुछ बोल लिया है ये ना, बता तू क्या करेगा इसे लेके? कुछ बोल नहीं रिया, फ्रेम में नहीं आ रही, मतान दे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हुआ ये कि सर हम तीनों एक उसमें खड़े थे पार्क में, वहाँ पे स्नाइपर भोसड़ी के इतना मारूंगा ना, इंटरव्यू में बिल्कुल ना बोल लिया, पता ना क्या क्या चल लिया था। ना ना मेरा बर्थडे 12 को ना है। सालों ने दिमाग खराब कर दिया। रामू एक चाय लिए, दो मंगवा लो। दो लिए ये। सर दो क्यों, तीन मंगवा, हम भी पीएंगे। नाजिम आपको भी चाय चाहिए क्या? और क्या ना सर, 3:43 हो गए, चाय का टाइम नहीं है पीने का। सालो इतना मारूंगा ना तुम तीनों को, चाय के नाम से उसे आवाज निकल रही है टन टनाटन, और इसे सुनाई बड़ी तेजी से दे रहा है, और साले तू सेकंडों के हिसाब से सेकंड भी एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम ठीक बता रहा है। नाजिम चाय पी ले, आ गई। कहाँ है? इसे मत पी, इसमें मक्खी गिर गई, इसे फेंक दे कोने में। कू एकदम कोने में फेंकी ये ले। ऐसे फेंका इंटरव्यू में? निकल जाए यहाँ से सालो, आज के बाद तुम्हें देख लिया तो आत्महत्या कर लूंगा, और मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ, नौकरी नहीं करूंगा बिल्कुल भी, नौकरी छोड़ दिया हूँ, नौकरी छोड़ दिया। सर एक बात पूछनी थी वैसे। हाँ पूछ। सर इंटरव्यू तो ऑफिस में ले लेते कम से कम, ये खुले गार्डन में लिया। सालो जहर खा लूंगा, किसी का इंटरव्यू ना लूंगा ऐसा, चले जाओ यहाँ से। बहुत तरस आ रही है आप उसी में इंटरव्यू वाले के ऊपर। क्यों? अबे यार कितना बोलने की कोशिश कर रहा था वो अपने मुंह से, लौंडे का एक शब्द ना निकला मुंह से, बतेरा चीखा। अरे सुतरी के बहुत चीख रहा है वो, मुंह भर भर के गालियां दे रहा है, कौवा टूट गया साले का। क्या नाजिम पप्पू की लौंडिया देने लगी? पहले कभी ना दी उसने। बसीम एक बात तो बता यार, ये इंटरव्यू कौन से चैनल पर आ गया अपना, मुझे देखना। अब मिले हो ना तुम तीनों अकेले, चुपचाप बता दो मेरी वो चीज कहाँ है जो मैंने मंडल में छुपाई थी, वो चीज तुम तीनों में से किसी ने चुराई है, मुझे वो मेरी चीज वापस दो। नाजिम भिखारी बन गया ये। ते मेरी चीज मुझे वापस करो। मैं साले कहाँ से दे मैं तुझे भीख, है ही ना हम पे एक रुपया ना, ये पता ना ये पड़ा बस क्या है ये। अबे साले यही तो है वो चीज जो मैंने मंडल में छुपाई थी, 10 करोड़ का हीरा है ये। 10 करोड़ का हीरा? क्या 10 करोड़? और तेरी भी तो आवाज निकल गई। मैं ये छोड़ो सालो, कितना चमकदार हीरा है, सफेद है पूरा, वसीम बहुत महंगा बिकेगा। एक काम कर, 1 रुपया ना दूंगा किसी को। ए इधर भाग बस। मेरा कद्दू ले लेगी कोई पुलिस मुझसे ये हीरा। लाइक जरूर करना और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5 मिलियन कर दो से पहले कर दो। और इंस्टाग्राम पे कौन बोले? और इंस्टाग्राम पर हमें यार जल्दी से फॉलो करो, वहाँ पे जल्दी जल्दी स्टोरी डाल रहे हैं हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम हैंडल @ राउंड टू हेल्थ। सो गाइस फॉलो करो, लाइव आ रहे हैं।